जिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गलत ही निर्णय लिया है, वोट नहीं दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वोट देके क्या बताना चाहती है? एक धुरंधर कार्यकर्ता है जो जीवन जवानी इस पार्टी की सेवा करते हुए अपना सर्वस्व त्याग किया है। यदि टिकट नहीं बदली तो गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को राज्य विधानसभा में भुगतना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। गरियाबंद के राज्य विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को बदले जाने का विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। राज्य विधानसभा के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक कर प्रत्याशी चयन को लेकर नाराजगी जाहिर की और प्रत्याशी बदलने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि ये भीड़ बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में नजर आई भीड़ से भी ज्यादा थी। वही प्रत्याशी नहीं बदलने की सूरत में बीजेपी को चेतावनी देते हुए राज्य विधानसभा में पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही है। इस दौरान पार्टी के फैसले को गलत बताते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरलीधर सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। तो निश्चित ही राजिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गलत ही निर्णय लिया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं दिया है या उसके परिवार ने एक वोट नहीं दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे के क्या बताना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बाल्यकाल का सिपाही हूँ, आज मुझको 48 साल से ऊपर काम करते हो गया है और मैं 24 घंटा सातों दिन 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं एक मेरे जैसे और भी मेरे विधानसभा में एक से एक धुरंधर कार्यकर्ता है जो जीवन जवानी इस पार्टी की सेवा करते हुए अपना सर्वस्व त्याग किया है, लेकिन ऐसे लोगों को स्थान पार्टी के पद में भी और संगठन में भी और सत्ता में भी, जैसे दिल्ली में हमारी 10 साल से सरकार है तो वहाँ भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पारितोषिक के रूप में देना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं करी है। मैं उसके भी आज इस टिकट का भी विरोध करता हूँ, खुले मंच पे विरोध करता हूँ। यदि टिकट नहीं बदली तो गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को राज्य विधानसभा में भुगतना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। गरियाबंद के राज्य विधानसभा में बीजेपी के घोषित प्रत्याशी रोहित साहू का विरोध जारी है। प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर लगातार गुपचुप बैठकों के बीच सनातन रक्षा मंच की आड़ में असंतुष्ट दर्जन भर बड़े नेताओं के नेतृत्व में सिरकिट्टी आश्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। बता दें, प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रीय नेतृत्व ने घोषित चेहरे को बदलने से साफ इनकार किया है, लेकिन असंतुष्ट दल को आज भी विश्वास है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। नेताओं की दलील है कि वे ऐसा करके बगावत नहीं कर रहे बल्कि जायज मांग मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। राज्य विधानसभा क्षेत्र में हम लोग प्रारंभ से ही जिनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है उनके संबंध में उच्च नेताओं तक अपनी बातें रख दें कि जिम्मेदार जितने लोग हैं, जितने वरिष्ठ हैं, सभी लोग मिल करके हम लोगों ने अपनी बातें हमारे जिम्मेदार केंद्रीय नेतृत्व के पास, प्रदेश नेतृत्व के पास हम लोग रख चुके हैं और हम लोगों को आज भी पूर्णता आशा है। अब पूर्णता हम लोग इस ओर आज भी काम कर रहे हैं कि यहाँ का प्रत्याशी बदला जाए, क्योंकि गांव-गांव में एक ही आवाज़ है कि इन्होंने कांग्रेस से जोगी कांग्रेस में आया और जोगी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जुमला आए, इनको 18 महीना हुआ है। ये कहना चाहिए कि अपन तो राज्य विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं माने काम के हैं। वही पार्टी के खिलाफ हो रहे इस बगावत को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेता शर्मा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। लोकतंत्र में बगावत नहीं होता, असहमति का जरूर स्थान होता है। आज की बैठक के 2-3 विषय थे, सबने टिकट के लिए बोला। हम सिर्फ हमारी कोई व्यक्ति विशेष से कोई भी समस्या नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता को राजिम से टिकट दी जाए। वो हमारा बूथ अध्यक्ष हो सकता है, वो हमारा मंडल अध्यक्ष हो सकता है, वो हमारा जिला अध्यक्ष हो सकता है या हमारी कोई बहनें हो सकती हैं, लेकिन आयातित व्यक्ति के टिकट पर असहमति है सभी को। बहरहाल पार्टी में उपजे इस असंतोष का आला कमान के पास कोई उपचार नहीं, लेकिन भाजपाइयों का यह बगावती तेवर कांग्रेस के लिए जरूर संजीवनी का काम कर सकती है। गरियाबंद से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।